हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक बार की बात है, चींटी चिड़िया से सभी पक्षी नाराज होकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, तुम सबने देखा, टूनी चिड़िया पहले ऐसे नहीं किया करती थी। अब टूनी चिड़िया बहुत ही बदल गई है। अब उसके भाव भी बहुत भर गए हैं। पहले हम लोगों से कहती है जितना चाहे उतना दे दो, उसके बाद अपने बेटे को घर बेचकर पैसे मंगवाती है। अब मुझे इस टूनी चिड़िया से कोई भी दवाई नहीं लेनी, मैं शहर जाकर किसी और पक्षी से दवाई ले लिया करूँगा। तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो पक्षियों? हाँ मिठू तोते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जंगल में अब कोई भी पक्षी बीमार होगा तो वो टूनी चिड़िया से दवाई लेने नहीं जाया करेगा, वो सीधा शहर जाकर किसी और पक्षी से दवाई लेकर आया करेगा। टूनी चिड़िया तो बहुत ही लालची हो गई है। हाँ हाँ दोस्तों, अब हम ऐसे ही किया करेंगे। फिर उस जंगल में किसी भी पक्षी की तबीयत खराब होती तो वो शहर जाकर उल्लू डॉक्टर से अपना इलाज करवाता था। टूनी को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि न जाने अब सभी पक्षी उसे दवा लेने क्यों नहीं आते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी के घर खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता। ये देखकर टूनी बहुत परेशान होती है और साथ में उसकी बेटी टुनटुनी भी भूख से तड़प रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को भूखा देखकर बहुत रोती है। चिंटू भी ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो जल्दी से सभी पक्षियों के पास जाता है ताकि उन सब पक्षियों से माफ़ी मांग सके। अरे चाचा चाचा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मम्मी आप लोगों से पैसे मांगने को बिल्कुल भी नहीं कहती थी। मेरा ही आइसक्रीम खाने का मन होता था, मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी। इसीलिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई थी कि मैं आप लोगों से पैसे मांगूं मम्मी का नाम लेकर। मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा, आज से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मेरी मम्मी को ये बात बिल्कुल भी ना बताइएगा, वरना उनका मुझसे भरोसा उठ जाएगा। ठीक है चिंटू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये तो खुशी की बात है। मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं कहूँगा और आज से तुम्हारी मम्मी से ही दवा लिया करूँगा। अब से जंगल में कोई भी पक्षी बीमार होगा तो वो टूनी चिड़िया से ही दवा लिया करेगा। ये लो कुछ पैसे, जाओ जाके फल खरीद लो और घर ले जाना। चिंटू अब बिल्कुल सुधर चुका था। वो अपनी बहन के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाता है। टुनटुनी फल खाकर बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर से जंगल में कोई भी पक्षी बीमार होता तो वो टूनी चिड़िया से ही दवा लेने जाता था। टूनी चिड़िया को तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि उसके पीछे से उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। अब से टूनी चिड़िया का बेटा चिंटू भी अपनी माँ का हाथ बताता था। ये देखकर टूनी और सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। चलो अब हम भोजन लेने के लिए निकलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है, भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कबूतर भैया, आज आप भोजन की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आज हमें भोजन की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। अरे क्यों टूनी, आज हमें भोजन लेने जाने की क्यों ज़रूरत नहीं? सारा दिन हमने भूखा मरना है क्या? नहीं पगले कबूतर, कछुआ चाचा ने तो कहा है कि पक्षी बेचारे रात बहुत देर से सोए थे, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाए। अब बेचारे इतनी लेट भोजन की तलाश में कहाँ जाएंगे? तो फिर टूनी तुम ही बता दो, हमने भोजन का क्या करना है? सारा दिन भूखे तो नहीं रह सकते। तो फिर ये कबूतर, कछुआ चाचा ने कहा है कि आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। टूनी क्या तुम सच कह रही हो? हाँ कबूतर भैया, मैंने आपको सच ही बताया है। तो फिर टूनी चलो चलो जल्दी चलो,
हम सब मिलकर कछुआ चाचा की मदद करते हैं। अरे कबूतर भैया रुको जरा। क्यों टूनी क्या हुआ है? कबूतर भैया अभी कालू और गोरी को भी उठाना है। अरे टूनी तुमने क्या कहा? कालू और गोरी भी अभी तक सो रहे हैं। जी हाँ बच्चों तुम्हारी तरह कालू और गोरी भी अभी तक बिस्तर तोड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो फिर जल्दी चलते हैं, जाके इन्हें उठाते हैं फिर कछुआ चाचा के पास जाते हैं। कछुआ चाचा बेचारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। टूनी और कबूतर गोरी और कालू के पास जाते हैं। अरे कालू कालू उठो देखो दोपहर होने वाली है। क्या दोपहर हो गई? कालू जी आपने मुझे उठाया नहीं। अरे गोरी कालू तो खुद भी सोया हुआ था, अगर वो खुद उठा होता तो ही तुम्हें उठाता ना। चलो चलो गोरी जल्दी चलो, कालू तुम भी जल्दी चलो, कछुआ चाचा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम सब रात को गपशप के चक्कर में इतनी लेट सोए कि सुबह कब हुई हमें पता ही नहीं चला। फिर सब पक्षी कछुआ चाचा के पास जाते हैं। अरे पक्षियों तुम सब आ गए, आज तो तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। जी कछुआ चाचा हम सब आ गए हैं, हमें माफ़ कर दें, हम रात में बहुत लेट सोए थे इसीलिए जल्दी नहीं आ पाए। कोई बात नहीं पक्षियों, टूनी ने मुझे सब बता दिया था कि तुम लोग सुबह लेट क्यों उठे हो। अच्छा पक्षियों तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, रात को तुम लोग लेट सोने की वजह से सुबह जल्दी भोजन नहीं ला पाए, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। वैसे भी हमें गुलाब जामुन खाए बहुत देर हो गई है। ये क्या आज हम सच में गुलाब जामुन खाएंगे? सच्ची में मीठा खाए हुए तो बहुत देर हो गई है। चलो पक्षियों तुम सब जाकर गुलाब जामुन का सारा सामान लेकर आओ। कछुआ चाचा मीठा बनाने का सारा सामान कहाँ पर पड़ा है? अरे टूनी अंदर किचन में दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ है। फिर तमाम पक्षी कछुआ चाचा के घर से मीठा बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। अरे ये कितना भारी है। कबूतर भैया ध्यान से कहीं गिर ना जाए। पक्षियों क्या तुम लोग सारा सामान ले आए हो? जी हाँ कछुआ चाचा हम सारा सामान ले आए हैं। ठीक है पक्षियों अब तुम सब मिलकर मेरी मदद करो, मैं तुम सब लोगों को गाइड करता हूँ। सबसे पहले टूनी तुम इस बर्तन में पानी डालो। कालू अब तुम्हारी बारी है, इसमें तुम चीनी डालो। और कबूतर तुम इसके नीचे आग जला दो ताकि चाश बन जाए। अब बारी है गोल गोल गुलाब जामुन बनाने की। पक्षियों क्या तुम सब लोग तैयार हो? जी हाँ कछुआ चाचा मैं तो तैयार हूँ। कछुआ चाचा हम सब भी गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार हैं। टूनी जाओ अब तुम जल्दी से गुलाब जामुन बनाने का मिक्सचर लेकर आओ, वो मैंने पहले ही बना कर रख दिया था जब तुम तमाम पक्षियों को बुलाने के लिए गई थी। ठीक है कछुआ चाचा मैं अभी अंदर से मिक्सचर लेकर आती हूँ। फिर टूनी कछुआ चाचा के घर से गुलाब जामुन का मिक्सचर ले आती है और तमाम पक्षी मिलकर गोल गोल गुलाब जामुन बनाते हैं। गोल 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 गुलाब जामुन हम सब मिलकर बनाएंगे। हम सब मिलकर गोल गोल गुलाब जामुन बनाएंगे। गोल गोल गुलाब जामुन तैयार है। चलो पक्षियों गुलाब जामुन तो तैयार हो गए, अब हम इन्हें खा कर देखते हैं कि गुलाब जामुन कैसे बने। फिर सब पक्षी मिलकर गुलाब जामुन खाते हैं। सब पक्षियों को गुलाब जामुन बहुत मज़े के लगते हैं। प्यारे दोस्तों क्या आप लोगों को भी गुलाब जामुन पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।